वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मजे में होंगे। अरे यहाँ पर है ना जिया और रेनिल गिर गया। रेनिल ने यहाँ पर है ना सारे टॉयज को फैला कर रखा है ना रेनिल फैला कर रखा है ना तुमने क्यों फैला कर रखा है? और यहाँ है ना जिया भी उसके टॉय के साथ खेल रही है। ये क्या कर रही हो जिया? जियो जियो कल किसकी बर्थडे है? जियानी। कल किसकी बर्थडे है? जियानी। तुझे गिफ्ट चाहिए? यस। क्या गिफ्ट चाहिए? ब्लू। ब्लू कलर का गिफ्ट चाहिए? हैं। ब्राउन ब्राउन चॉकलेट इवालू। जैसे। ऐसा है? यस। ओके। तो गाइस कल है ना जिया की बर्थडे है तो हम उसके लिए कुछ लाने वाले हैं, लेकिन उसको पता नहीं है क्या लाने वाले हैं। उसके लिए तो सरप्राइज ही है, देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी अभी अभी गई है, लेकिन हमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं मनाने में हमारा तो। लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं तो बच्चों को तो हम मनाएंगे। देखते हैं कैसे मनाते हैं कैसे नहीं। कुछ बड़ा वाला प्लान तो है नहीं हमारा, देखते हैं। और बाहर एकदम कड़क वाली धूप है तो घर में इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि है ना 11 बजते ही हमें है ना विंडो ये कर्टन सब कुछ बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही फिर रूम में है ना गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है रूम। इस वजह से है ना हम लोग 11 बजते ही सब कुछ बंद कर देते हैं। अभी दोनों बच्चे यहाँ पर खेलेंगे और हमारा है ना लंच हो गया। यहाँ पर जिया खेल रही है, अभी दोपहर का टाइम है, फिर भी जिया को नींद नहीं आ रही। आ रही है? नहीं आ रही। और रैनिल तो सो गया है, वो 2.5 साल का हुआ है, फिर भी उसको है ना ऐसे घुड़ी में से निकली आवाज आपको दिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर है ना लाइट बंद की हुई है। और मैं भी थोड़ी देर दोपहर को सो जाऊँगी क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद मुझे कुछ नया बनाने की इच्छा हो रही है, तो देखते हैं कि क्या बनाते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूँगी, लेकिन सोने के बाद। तो अभी मैं सो जाती हूँ। तो गाइस अभी है ना मैं सोकर जग गई हूँ और यहाँ पर है ना रैनिल को झूला झूला रही हूँ। तो हमें ना घर में ही टांग दिया है झूला, तो वो बड़े अच्छे से झूला झूल सकता है। और जिया तो वो सोई नहीं, रैनिल थोड़ी देर ही सोया था। अभी है ना सबको भूख लगी है तो मैं ढोकला बनाने की सोच रही हूँ, तो अभी मैं ढोकला बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। चाय के बिना तो मेरी दोपहर होती ही नहीं है और सुबह भी नहीं होती है, तो मुझे चाय तो है ना दोनों टाइम ही चाहिए। तो यहाँ पर रैनिल झूला झूल रहा है, अब मैं जा रही हूँ ढोकला बनाने के लिए और चाय बनाने के लिए। ढोकला बनाने के लिए मैंने है ना बारीक वाली सूजी ली है, उसके अंदर मैंने दही और छाछ दोनों ही मिक्स करके डाला है। आप चाहो तो कोई एक भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास है ना दही की क्वांटिटी कम थी तो इसलिए मैंने दोनों मिक्स कर डाला है। और अच्छे से हिलाने के बाद उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और अच्छे से बैटर बनाऊँगी। और यह है ना सूजी है तो फूलती है, तो फिर बाद में है ना आपको और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो है ना इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। वैसे तो ये है ना मैं जो शाम का नाश्ता होता है ना तो उसके लिए मैं बना रही थी, लेकिन मेरे दोनों बच्चों ने है ना फ्रूट्स खा लिए थे तो फिर वो मना कर रहे थे खाने के लिए, तो लास्ट में मैंने है ना शाम को डिनर के साथ बनाने की सोची है। तो इसको है ना मैं 15 अभी तो शाम तक मैं इसको है ना ऐसे ही रहने दूंगी और बाकी की जो आगे की प्रोसेस है वो मैं शाम को ही करूँगी। बैटर बनाकर मैं किचन में रख कर आई हूँ और यहाँ पर है ना मुझे जो मरी है वो साफ़ करनी थी, चावल साफ़ करने थे तो वही साफ़ करने के लिए मैं अभी बैठ गई हूँ, तो वो सब कुछ मैं साफ़ करूँगी। वैसे लोग सोचते हैं कि समर वेकेशन आते ही है ना हमारा काम जो है वो कम हो जाएगा ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। समर वेकेशन आते ही है ना ढेर सारे काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको है ना जो गेहूं है वो भी स्टोर करने होते हैं, सब कुछ जो आपका मरी मसाला होता है वो सब स्टोर करना होता है, क्योंकि यहाँ गुजरात में है ना सब साल भर के लिए ये सब स्टोर करके रखते हैं। तो जो आपके जो पाउडर फॉर्म में होते हैं ना मसाले, हल्दी है, मिर्च पाउडर है, वो सभी ये साल भर के लिए समर वैकेशन में ही स्टोर कर रखते हैं। बाकी के जो भी मसाले हैं जैसे कि जीरू है, वो सब भी राई है, ये सब भी क्लीन करके साल भर के हिसाब से रख देते हैं, तो यहीं पर है ना काम बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर मैं मेरी जो काली मिर्च है वो साफ़ करके रख दूंगी और एक डिब्बी में भर दूंगी। उसके बाद जो मेरे पास बासमती पुलाव के जो चावल आते हैं ना, तो वो थे और वो भी मुझे क्लीन करने थे, तो वो मैं क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद यहाँ से कचरा सब कुछ निकाल कर क्लीन कर कर बाद में है ना, जो हमारा साइड का जो एरिया है ना जहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं, तो वो सभी क्लीन करना है। तो ये करने के बाद हम बाद में वो करें। मैं सभी साफ सफाई कर ही रही हूँ और जिया को देखो, वो भी मेरी मदद कराने के लिए आ गई है। वो बोल रही है कि मामा मैं भी आपकी मदद करूँगी, लेकिन मैंने बोला कि आपको मेरी मदद करना हो ना तो आप शांति से सुकून से एक साइड जाकर बैठ जाओ, क्योंकि वो आती है ना तो फिर और काम मेरा बढ़ा देती है, तो इससे अच्छा है कि वो एक ही साइड पर बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं उसको यही समझा रही थी और फिर बाद में वो नहीं मान रही थी, तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पर ही उसको जैसा मैं करती हूँ वैसा करने दूँ, क्योंकि वो बाद में परेशान करेगी और मेरा काम यहीं पर पेंडिंग रह जाएगा। और अब जिया को देखो, पीछे भी एक चोटी लगाई हुई है क्योंकि उसको है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और उसके बाल है ना उसी हिसाब से है कि पूरी पूरी चोटी बनती नहीं है और आगे से साइड से सभी बाल निकलते जाते हैं, तो इस तरह से मैं दो चोटी उसको बना देती हूँ तो वो गर्मी से बच जाती है, लेकिन फिर भी सारे बाल निकल ही जाते हैं। मेरा यहाँ पर है ना चावल और ये सब काम फिनिश हो गया है। अभी मैं आपको यही बता रही थी कि मुझे ये सब भी क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि है ना थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर तेज़ हवा चल रही थी ना, तो बाजू में जो हमारे साइड में कॉमन प्लॉट है ना, तो वहाँ से है ना बहुत सारी धूल मिट्टी आती है, और वैसे भी बच्चों को पानी के साथ खेलना था, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे साफ भी कर दो और खेलना भी हो जाएगा। और ये इधर अनिल को देखो, वो कैसे गीला होकर घूमता रहता है, और उसके जो छोटा है ना मैंने गार्डन के जो टूल्स ला के दिए थे, तो वो है ना उससे पानी डालता रहता है, और बाद में है ना वो सब क्लीन करने के बाद बाथ टब में भी उनको नहाना होता है, तो वो भी नहलाया। और उसके बाद अभी हम है ना घर पे आ गए हैं, घर के अंदर, और यहाँ पर है ना हम चालू लगा रहे हैं। और मैं जब भी कुछ काम करने लगती हूँ ना, तो जिया या रैनिल दोनों में से कोई एक तो मेरे पास आ ही जाता है। इधर देखो रैनिल है ना मेरी जो झाड़ू है ना वो तोड़ने में लगा हुआ है, और उसको वैसे मेरे साथ झाड़ू लगाना था लेकिन वो लगा नहीं रहा था, और वो है ना उसको तोड़ने में लगा था, और वो भी उसका काम है ना वो बोर हो गया ना, तो बाद में वो मेरे पास आ गया कि चलो मामा आप भी रख दो और आप भी मेरे साथ बैठ जाओ। बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है, कैसे भी उनको संभालना है ना थोड़ा सा मुश्किल भी, कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, तो ऐसे करके मेरा काम चलता रहता है। और इधर देखो बाद में है ना कि वो मान ही नहीं रहा था, मैं उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बीच है ना गिरीश भी आ गए, तो मैं उनको उसे बोल रही थी कि गिरीश पापा आ गए हैं चलो पापा के साथ चलते हैं, लेकिन वो ना पा रहा था, मना कर रहा था, तो बाद में मुझे है ना उसको गोदी में लेकर बाद में झाड़ू लगाना पड़ा था। तो ऐसा वाला सीन मेरे साथ होता रहता है और आपके साथ भी होता होगा। जो भी मॉम होगी वो मेरे बात से एग्री करती होगी कि ऐसे करके कई मॉम ने काम भी किया होगा। तो हम सब है ना रेडी हो गए हैं, गिरीश भी आ गए हैं नौकरी पर से, और है ना जिया और रेनिल दोनों ने बात कर ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। और वैसे तो है ना जिया के लिए कल उसकी बर्थडे है ना, तो गिफ्ट भी लेना था, लेकिन अभी वो शॉप है ना बंद है, तो हम कल ही जाकर लेंगे, है ना जिया। कल किसकी बर्थडे है? जिया की बर्थडे है कल। ओके, जिया की बर्थडे, तो वो सो आज अभी हम जा रहे हैं, तो वैसा ही सोच रही कि हम केक लेने के लिए जा रहे हैं, उसको मालूम नहीं है हम अभी है ना सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, है ना जिया। पीछे पीछे घूम रही है ये देखो। तो चलो हम जाते हैं, बाद में मिलते हैं। अभी मैं आ गई सब्जी मंडली में, और यहाँ पे है ना ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश वेजिस होती है ना, तो वो ले रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ तो पसंद आया नहीं, तो फिर मैंने है ना बैंगन लिए थे, क्योंकि काफ़ी सब्जी ऐसी है जो मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता है, जैसे कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, तो ये सब है ना गिरीश को थोड़ी सी कम ही पसंद है, तो फिर मैंने है ना ये रिंगन थे लंबे वाले तो वो लिए थे, और टमाटर और आलू लेकर बाद में हम घर आ गए। और घर आते ही मेरा जो डिनर की प्रिपरेशन थी वो तो करनी ही थी, तो बाद में ना जिया भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि नहीं मामा मुझे तो आज ही केक चाहिए, क्योंकि उसको तो ऐसा ही था ना बाजार में जाते वक्त कि हम केक लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन घर आकर उसने और जिद करने लगी, रोने लगी, तो फिर बाद में उसके पापा और वो दोनों तो है ना पेस्ट्री लेने के लिए चले गए, और मैं रैनिल यहाँ पर रह गए, और रैनिल को मैंने मेरे साथ ही बिठा दिया। और
और एनिल यहाँ पर है, वो मुझे काम नहीं करने दे रहा। और यहाँ पर है ना मेरे जो ढोकला बनाने का कुकर है ना, वो मैंने चढ़ा दिया है, तो इसके अंदर है ना मैंने पानी डाला है, तो वो उबलने के लिए रखा है। और उस पर ऐसा स्टैंड आता है और उसमें है ना ऐसी वाली दो डिश है, तो इसके अंदर मैं है ना पहले ऑयल लगा दूंगी, उसके बाद मैंने ये जो बैटर रेडी किया है ना तो वो जाएगा, और ये जब पानी गर्म हो जाएगा ना तो ये जो डिश है वो मैं यहाँ पर रख दूंगी और हो जाएगा। ये मेरा है ना 9 साल पुराना कुकर है, जितने मेरे शादी के साल हुए हैं ना तो उतने ही साल ही इस कुकर को हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर है ना मैंने ढोकले को चढ़ा दिया है, यहाँ पर मेरी खिचड़ी रेडी हो रही है, अभी इतना बैटर बाकी है तो वो मैं है ना इस जो छोटी वाली डिश है ना तो उसमें मैं कर दूंगी, लेकिन एक हो जाएगा उसके बाद करूंगी। और ये है ना मैं सारी सब्जियाँ लेकर आई थी तो उसको भी मुझे अच्छी तरह से वॉश करके रखना है, तो अभी मैं वो करूंगी। और उसके बाद मैं है ना आज आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। डिनर में है ना आलू की सब्जी मैं बनाने वाली थी, आमरस था, ढोकले थे, खिचड़ी थी। खिचड़ी तो हमारे घर पे होती ही होती है, क्योंकि बच्चों है ना जब तक खिचड़ी नहीं खाते ना तब तक उनको है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता खाने का, इसलिए खिचड़ी तो मेरे घर पे बनती ही बनती है। और उसके बाद मैं ज्वार की जो रोटी आती है ना वो बनाने वाली थी। अभी है ना हमारे यहाँ कोई भी सब्ज़ी आप लोग कुछ भी में इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आपके शरीर में है ना तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ तो होती ही रहती है। तो अभी है ना गेहूँ भी इतने ज़्यादा, गेहूँ भी इतने ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, आपको अल्टरनेट सब कुछ खाना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन ऐसा होता है जब गेहूँ की रोटी खाओ, कुछ दिन भाखरी बना के खाओ, कुछ दिन ज्वार खाओ, अभी तो है ना आप रागी का आटा भी खाओ ना तो भी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैल्शियम रहता है और वो तो आप फास्ट में भी खा सकते हो, तो वो भी बढ़िया ऑप्शन रहता है। तो मैं ऐसा है ना सब में, जैसे मैं गेहूँ के साथ है ना वो जो रागी का आटा है ना वो भी मिलाकर मैं बच्चों को खिलाती हूँ, तो वैसे मैं सब कुछ ट्राई करती रहती हूँ, जिससे मेरे बच्चे के शरीर में है ना सब कुछ विटामिन्स जो भी उनको ज़रूरत हो ना वो सब कुछ मिले। क्योंकि हमें ये सब सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी ना छोटी मोटी करके बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है ना जो खाने की वजह से आ रही है, तो मैं मुझसे जितना भी हो सकता है ना उतना मैं ट्राई करती हूँ कि वो सब कुछ मेरे बच्चों के साथ ना हो। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्जी बना रही थी, तो उसमें है ना मैंने करी ली हरी मिर्च, अदरक ग्रेट करके डाली है, उस सब का तड़का लगाने के बाद मैंने आलू डाल दिए। आलू को अच्छे से हिलाने के बाद जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो सब मैंने डाले, और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे एकदम से कोरी सब्जी नहीं बनानी थी। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं गुड़ डालूंगी और जो आमचूर पाउडर है ना वो डालूंगी, क्योंकि खट्टी मीठी वाली जो सब्जी होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर है ना मुझे एक ही विसल लगानी है तो उसके बाद मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। और तो सब्जी तो मैंने रख चढ़ा दी है, और यहाँ पर है ना मेरी एक डिश ढोकला की रेडी हो गई है। तो ढोकला चेक करने का ये बेस्ट तरीका है कि आप कुछ भी चीज़ टूथपिक हो या फिर ऐसे चाकू हो तो अंदर डालकर देखो, तो ऐसा क्लीन वाला निकले ना तो आप समझ जाओ कि आपका ढोकला है ना बिल्कुल भी रेडी है और पक गया है अच्छे से, तो बाद में उसको निकाल दो और उसमें तड़का लगा दो। तो यहाँ पर मेरी एक डिश तो रेडी हो गई थी, तो मैंने दूसरी डिश है ना उसमें डाल दी, और ये वाली जो डिश है तो उसमें मैंने अच्छे से पीस, आप जैसे भी चाहो ट्रायंगल चाहो, वो शक्कर पैरा के वाला जो डायमंड शेप आता है ना तो उसमें चाहो आप जैसे भी चाहो शेप में काट कर उसको तड़का लगा सकते हो। उसमें दो टाइप से तड़का लगता है, मैंने दूसरा वाला यूज़ किया है, डायरेक्टली मैंने इसमें तड़का नहीं डाला है, क्योंकि मेरे बच्चों को है ना थोड़े से क्रिस्पी वाले होते हैं ना ऊपर जो थोड़ा सा एक ब्राउन वाला लेयर बनता है, तो वैसे वाले ढोकले गिरीस और दोनों को ही पसंद आते होते हैं। देखो कितना स्पंजी वाला मेरा ढोकला अच्छे से बना है, तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। तो ऐसे करके मैं सारे पीस निकाल दूंगी और बाद में एक कढ़ाई लेकर उसमें मैं तड़का लगाऊंगी। और लेकिन गाइस मैं इसके जो तड़का लगाने का जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे काफ़ी परेशान कर रहे थे, तो उस वजह से मैं वो है ना क्लिप नहीं ले पाई थी। तो इसमें तड़का में मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि एक कढ़ाई में आप ऑयल लीजिए, और ऑयल गर्म होने के बाद उसमें राई डालिए, करी लीव्स डालिए और हरी मिर्च डालकर
आप उसमें तड़का लगाओ और बाद में ये जो आपने पीसीस रखे हैं ना ढोकला के, वो अंदर डाल देना, और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और जो मिर्च पाउडर होता है ना तो वो आप थोड़ा सा ही डालना। और उसके बाद आपको है ना उसमें जो स्पेशल आती है ना वो नहीं चलानी है, क्योंकि उससे ना ढोकले वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आप दोनों और पकड़ कर अब उछल उछल कर जैसे होता है ना, तो वैसे ही आपको ढोकले को तड़का लगाना है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर है ना मैं जुवार का आटा गूंद रही हूँ, और जुवार के आटे में मैंने नमक डाला है और गर्म पानी से मैं इसका आटा लगा रही हूँ। तो बाद में है ना आटा गूंद कर उसकी मैं चपाती बना दूँ। वैसे है ना जो डायरेक्ट हाथ से रोटला बनाया जाता है ना तो वो तो मुझे आता नहीं है, लेकिन हम मैं रोटला ज़रूर से बनाती हूँ क्योंकि गिरीश को काफ़ी पसंद है और मुझे भी खाना पसंद है। तो और मैं बच्चों के लिए भी जो मसाला रोटला ये सब आता है ना तो वो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन वो मैं मेरी स्टाइल में बनाती हूँ। जैसे कि आपको बाजरी का रोटला हो तो वो तो मैं बेलन से ही बनाती हूँ, वो अच्छे से बन जाता है। और यहाँ पे जुवार का रोटला मैं बनाने की, वैसे रोटली बोलती हूँ मैं तो उसे, और कुछ लोग रोटला भी बोलते हैं। तो इसे है ना मैं ऐसे एक पॉलीथीन के ऊपर ऐसे दबा दबा कर मैं फैला दूँगी और चपाती की तरह बना दूँगी। उसके बाद मैं उसको डायरेक्ट पका दूँगी तवे पर डालकर। तो यहाँ पर है ना एक तो ऑलरेडी मैंने बनाकर डाल दिया था और दूसरा भी मेरा बनने ही वाला था। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, और बीच बीच में है ना मैं मेरे हाथ भी गीले कर रही हूँ, क्योंकि हाथ में चिपक कर है ना वो जुवर का आटा सीधा हाथ में ही आ जाता है। तो इस वजह से मैं इस तरह से बनाती हूँ। और है ना अभी डिनर प्रिपेयर करने में मुझे है ना बहुत ज़्यादा देरी हो गई, क्योंकि दोनों बच्चे परेशान कर रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे देरी हो गई। और यहाँ पे जल्दी जल्दी में मैं जुवर का जो रोटली है वो मैं बना रही हूँ। और अभी है ना देरी होने हो जाने की वजह से मैं है ना यहाँ पर बीच में जो बर्नर है ना तो उस पर मैं दूसरी वाली जो तवी है ना मेरे पास आयरन की, तो वो मैं चढ़ा दूँगी और एक साथ दो दो मैं ऐसे वाली चपाती प्रिपेयर कर दूँगी, क्योंकि झटपट से दोनों बच्चों को दे दूँ ना तो फिर उनको भी कुछ है, क्योंकि उन दोनों को भूख लगी है तो फिर वो है ना पेशेंस से बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको इंस्टेंट वाला मतलब कि इंस्टेंट ही चाहिए सब कुछ। तो मैं फटाफट से ये बनाकर उनको दे देती। काले तो मालूम जी डिक्लू ने बर्थडे से लावाली से जिया, कल तुझे दूसरा क्या चाहिए? फिर पापा के सामने देख कर करना है ऐसा, पापा के सामने देखो, पापा के सामने देखो और करो। पापा सामने करो बेटा। चलो गुड नाइट, चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट गरम कहा गिरीश, गुड नाइट बोलो सबको। गुड नाइट, इधर देखो बाद में बोलो। गुड नाइट, गुड नाइट, ओके गुड नाइट।